आज हम लोग बात करेंगे कि अगर आप लोनली फील कर रहे हैं तो क्या करें। अगर आपके पास अच्छे फ्रेंड्स नहीं है या आपके पास ऐसे फ्रेंड हैं कि आपको लगता है कि ये ना होते तो ज्यादा अच्छा था, तो आज हम लोग इस बारे में बात करेंगे। अगर आपको लगता है कि ये जो रिलेशनशिप की जो डायनेमिक्स है ना, रिलेशनशिप की जो दुनिया है ना, ये आपको समझ में नहीं आती है, आप तो अच्छे हो लेकिन आपको अच्छे लोग क्यों नहीं मिलते हैं, अच्छे दोस्त क्यों नहीं मिलते हैं, अप्रिशिएट करने वाले, रिस्पेक्ट करने वाले, वैल्यू करने वाले क्यों नहीं मिलते हैं, अगर आप ये कोई इशू फेस कर रहे हैं तो ये सेशन आपके लिए है। हेलो फ्रेंड्स, मैं विवेक राठौर, ऑथर एंड न्यूरो साइकोलॉजी एक्सपर्ट। आज का हमारा टॉपिक है अकेलेपन को कैसे दूर करें, और इसका जो सिंपल सा आंसर है, अच्छे दोस्त बना के, अच्छे रिलेशनशिप बना के। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस की प्रॉब्लम तो यही है कि अच्छे दोस्त कैसे बनाएं, लाइफ में अच्छे लोग कैसे अट्रैक्ट करें। तो हम लोग 5 स्टेप में आपको शेयर करूंगा जिसको प्रैक्टिस करके आप अपनी सोसाइटी के बेस्ट फ्रेंड, बेस्ट लोग को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर सकते हैं, वो भी हमेशा के लिए। सबसे पहले हमें ये समझना है कि अगर आपकी जो रिलेशनशिप रियलिटी है, अगर वो अनडिजायर्ड है, अगर वो अनहेल्दी है, तो उसका रीजन क्या है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड। द वन रीजन इज आपके जो रिलेशनशिप बिलीफ है वो वीक है, वो अनहेल्दी है। हमारी जो लाइफ होती है वो हमारे बिलीफ का रिफ्लेक्शन होता है। ठीक उसी तरीके से हमारे जो रिलेशनशिप रियलिटी है वो हमारे रिलेशनशिप बिलीफ का रिफ्लेक्शन है। तो अपने रिलेशनशिप बिलीफ को चेक करने की जरूरत है, उसको हम लोग ऑल्टर करके, उसको हम लोग चेंज करके अपने आसपास अच्छे लोग को अट्रैक्ट कर सकते हैं, अपनी रिलेशनशिप रियलिटी को हम लोग चेंज कर सकते हैं। बिलीफ क्या होता है, कैसे रिलेशनशिप बिलीफ को चेंज करें, ये एक वाइड टॉपिक है जिसको हम लोग किसी और सेशन में डिटेल में समझेंगे। बट दिस इज द स्टेप नंबर वन, आपको अपने बिलीफ को चेक करना है, रिलेशनशिप बिलीफ को देखना है। आपको ये देखना है कि रिलेशनशिप के बारे में आप क्या सोचते हो, आपकी कोर थिंकिंग क्या है, वो आपके रिलेशनशिप बिलीफ है, उसको हम लोग को अपडेट करने की जरूरत है। स्टेप नंबर टू, सबसे पहले खुद बेहतर बने। अगर आप बेहतर नहीं है और आप सोचे कि आपकी लाइफ में अच्छे लोग आ जाएं, तो ये नहीं होने वाला है, क्योंकि अच्छे लोग को भी अच्छे लोग चाहिए। हर एक पर्सन अपना एक स्टैंडर्ड मेंटेन करता है, तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में बहुत अच्छे लोग आए, तो आपको भी अच्छा बनना पड़ेगा ताकि वो भी आपको पसंद करें, क्योंकि रिलेशनशिप दो तरफ से होता है, इट इज अ डुअल अप्रोच, ये टू साइडेड अप्रोच है, इट इज नॉट अ वन साइडेड अप्रोच। सो स्टेप नंबर टू, सबसे पहले खुद एक बेहतर पर्सन बने। कैसे बने, रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बेहतर पर्सन बनने का मतलब क्या होता है, आपको 3 बातों का ध्यान रखना है। नंबर वन, अपने बारे में और लोगों के बारे में अच्छा सोचना शुरू करें। प्रैक्टिकली ये थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन अगर आपको रिलेशनशिप को एंजॉय करना है, अगर आप चाहते हैं कि रिलेशनशिप आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, तो ये दिस इज द फाउंडेशन, अपने और लोगों के बारे में अच्छा सोचें। स्टेप नंबर टू, एक ऑर्गेनाइज्ड और एक डायरेक्शन वाली लाइफ जिए आप, जिसमें आपका कोई गोल हो, जिसमें आपको क्लैरिटी हो, ताकि आप अपने टाइम और अपने एनर्जी का बेस्ट यूज कर सकें। क्योंकि देखिए, अगर आप एक डायरेक्शन वाली लाइफ जीते हैं, अगर आप एक ऑर्गेनाइज्ड लाइफ जीते हैं, अगर आप एक बेहतर लाइफ जीते हैं, तो आपकी लाइफ दूसरों को इंस्पायर करती है। ये एक रियलिटी है या एक पहचान होती है अच्छे लोगों की, ठीक है, वो अपने टाइम और अपनी एनर्जी का बेस्ट यूज करते हैं ताकि वो बाकी लोगों को इंस्पायर करते हैं। क्योंकि अगर आपके लाइफ में कोई आ रहा है, आपके रिलेशनशिप में कोई कोई आ रहा है, तो आप कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली उसको भी बेहतर होने में आप उसको मदद करें या करते हैं, अगर आप ऐसे होते हैं तो। देन नंबर थ्री, अगर आप किसी भी रिलेशनशिप में जाए हैं या लोगों को लेके आप मन में इंटेंट रखें, एक भाव रखें कि मेरी लाइफ में कोई आएगा या कोई आता है या कोई है, तो उसकी मैं मदद करने की कोशिश करूंगा, जो भी मदद हो सके, कम से कम हमें ये इंटेंट रखना है। स्टेप नंबर थ्री, रिलेशनशिप में, किसी भी फ्रेंडशिप में, किसी भी रिलेशनशिप में देने के भाव से जाएं, किसी को समझने, किसी का साथ देने, अपना समय देने, किसी भी रिलेशनशिप में लेने के माइंडसेट से ना जाए कि नहीं उसे कुछ मदद ले लूं, उससे कुछ सीख लूं, ये एक वीक माइंडसेट होता है, ये गलत अप्रोच होता है, क्योंकि जो भी आपकी इंटेंट होगी वो सामने वाले को पता चली जाएगी, आज नहीं कल पता चली जाएगी। तो अगर आप गलत थिंकिंग से जाएंगे, गलत माइंडसेट से जाएंगे, तो वो रिलेशनशिप चलने वाला नहीं है। तो किसी भी रिलेशनशिप में देने के भाव से जाइए, किसी को एम्पावर करने के भाव से जाइए, किसी
किसी को समझने के भाव से जाइए, दिस इज द बेस्ट माइंडसेट। देन द स्टेप नंबर फोर, आप अब इवेल्युएट करें। एक प्रिंसिपल है जो कहता है कि लव ऑल ट्रस्ट फ्यू फॉलो वन, मीन्स सबके बारे में अच्छा सोचिए। हम लोग ट्रस्ट सब पे नहीं कर सकते हैं, कुछ ही लोगों पे ट्रस्ट कर सकते हैं, और जिस पे ट्रस्ट कर सकते हैं वही हमारे फ्रेंड होते हैं। ट्रस्ट फ्यू फॉलो वन, तो हमें देखना है, हमें अपने आसपास के लोगों को चेक करना है कि हमारे जो भी आसपास हैं, जो भी हमारे फ्रेंड्स हैं या जो हमारे फ्रेंड बन सकते हैं, क्योंकि आप जिनसे भी इंटरेक्ट कर रहे हैं वो कल को आपके अच्छे या बुरे आपके दोस्त हो सकते हैं, तो आप उनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि वो अच्छे पर्सन है या अच्छे पर्सन नहीं है। कैसे चेक करें? एक टेस्ट है, एक सिंपल सा फॉर्मूला है। अगर आप किसी पर्सन के साथ कुछ अच्छा करते हैं और रिटर्न में आपके साथ वो आपने जितना अच्छा किया उससे भी अच्छा करने की कोशिश करता है, इसका मतलब वो सही पर्सन है। अगर आप किसी पर्सन के साथ अच्छा करते हैं रिटर्न में, न तो वो थैंकफुल है, न तो उसकी वैल्यू कर रहा है, बल्कि उसको लग रहा है कि अरे आपसे तो मदद मिलती है और मदद की एक्सपेक्टेशन रख रहा है, केवल वो टेकिंग, केवल वो लेने के माइंडसेट से है, इसका मतलब वो सही पर्सन नहीं है। तो ये एक सिंपल सा टेस्ट है जिससे आप पता कर लेते हैं कि आपके आसपास जो भी है वो कैसे लोग हैं। एक सिंपल सा प्रिंसिपल समझिए, हम लोग की लाइफ में लोग 3 रीजन से आते हैं, पहला सीजनल, दूसरा किसी रीजन से, और तीसरा लाइफ टाइम वाले। कुछ लोग होते हैं जो सीजन में आते हैं, कुछ लोग होते हैं जो कुछ रीजन से आते हैं, पर्पस सॉल्व होगा और टाटा बाय बाय कर देंगे। थर्ड क्लास है जो हम लोग की लाइफ में लाइफ टाइम के लिए आते हैं। तो हमें डिफ्रेंशिएट करना है, सही लेबलिंग करें कि आपकी लाइफ में कौन रीजन वाला है, कौन सीजन वाला है और कौन लाइफ टाइम वाला है। तो अब हम लोग आते हैं फाइनल स्टेप पे, स्टेप नंबर 5। अभी तक आपने रिलेशनशिप के सारे स्टेप्स को बहुत अच्छे से फॉलो किया है। अब क्या है, अब आपको पता है कि आपके आसपास जो है वो कौन अच्छा है और कौन अच्छा नहीं है। सारे सिम्टम्स मैंने आपको शेयर कर दिए। अब जो अच्छा है उसको अपना लें, उसके साथ टाइम स्पेंड करें, रिलेशनशिप को और नर्चर करें। रिलेशनशिप टाइम के साथ स्ट्रेंथन होता है, ट्रस्ट टाइम के साथ बढ़ता है। एक ही माइंडसेट रखें, आपको ये पता होना चाहिए कि आप किसके अच्छे दोस्त हैं, बजाय इसके कि आप ये जानने में इंटरेस्टेड हैं कि आपका कौन अच्छा दोस्त है। रिलेशनशिप को हमेशा इस एंगल से देखना है कि मैं किसका अच्छा दोस्त हूँ, बस आपको इतना जानना है। इसी को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, इसी पे हमें फोकस रखना है। सो इन 5 स्टेप्स को आपको फॉलो करना है। आज का जो सेशन था, इस सेशन का बेस्ट एडवांटेज लेने का मैं आपको एक टेक्निक बताता हूँ। अगर आप एक छोटी सी चीज प्रैक्टिस करेंगे तो जो भी आपने सीखा है ना, आप इसको इसी मोमेंट से यूज में लाना शुरू कर देंगे। एंड वो टेक्निक क्या है कि जो भी मैंने पॉइंट शेयर किए आप उसको कमेंट बॉक्स में लिखने की कोशिश कीजिए। नहीं याद आया, दोबारा देखिए और अपने याददाश्त के बेसिस पे उसको कमेंट बॉक्स में अभी लिखने की कोशिश कीजिए। इससे होगा क्या कि ये बातें आपके सबकॉन्शियस में बैठना शुरू कर जाएंगी, और जो भी बातें हमारे सबकॉन्शियस में होती हैं वही हमें ड्राइव करती हैं, वही हमारे एक्शन, थिंकिंग, वर्ड्स एंड बिहेवियर में कन्वर्ट होती हैं। बहुत बहुत थैंक यू।